सो गाइस सबसे पहले आपको लाइट रूम में अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है, जैसे मैंने कर रखी है देख सकते हो गाइस। सो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर सन वाला ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से इस फोटो को एडजस्ट करना है अपने हिसाब से गाइस। तो मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, हाईलाइट को भी कम कर लेता हूँ गाइस, शेडो भी कम कर लेता हूँ क्योंकि शेडो बहुत ज़्यादा है इसमें, और वाइट को मैं प्लस की तरफ कर लेता हूँ गाइस थोड़ा सा, और ब्लैक को कम कर लेता हूँ। सो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है टेम्परेचर वाले ऑप्शन में, तो यहाँ से इसकी हम वाइब्रेंस को बढ़ा देते हैं ताकि कलर आ जाए फ़ोटो में, और टेम्परेचर बढ़ा के देख लेते हैं हाँ सही है इतना, और टिंट भी बढ़ा लेते हैं गाइस, और सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस की तरफ रख लेते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जाना है ग्रेडियंट पर, तो यहाँ पर तीसरे वाला ऑप्शन है जो उस पर क्लिक करना है, हाईलाइट वाला, और हाईलाइट को जाने के लिए गाइस आपको ह्यू है ना उसको ब्लू की तरफ रख लेना है, और सैचुरेशन ह्यू को ब्लू की तरफ रख लेना गाइस, और सैचुरेशन को हाई कर लेना ताकि हमारी सियान कलर आ जाए पीछे की तरफ। सो गाइस देखते हो सियान कलर आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार इसको, कलर आ चुका है गाइस हमारी फ़ोटो में देख सकते हो आप। सो गाइस उसके बाद ऊपर से डन कर देना है, और यहाँ से कलर वाले ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से ऑरेंज कलर में जाना है जो हमारा फेस का कलर है, इसको माइनस की तरफ कर लेना थोड़ा सा, और लुमिनेशन बढ़ा सकते हो गाइस आप अपने हिसाब से, और येलो को गाइस थोड़ा सा माइनस के साथ रखते हैं ह्यू इसका, और इसकी सैचुरेशन भी माइनस की तरफ रखते हैं। और अब चलते हैं गाइस यहाँ इसमें ब्लू कलर में, इसकी सैचुरेशन ह्यू को बढ़ा इंक्रीज करके देख लेना है गाइस, जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ पर रख लेना है, तो मैं माइनस की तरफ रखता हूँ ह्यू, और इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। उसके बाद गाइस ऊपर से डन कर देता हूँ मैं, और यहाँ से चलता हूँ इफेक्ट वाले ऑप्शन में, और थोड़ी सी क्लेरिटी को माइनस की तरफ रख लेता हूँ तुम्हारी, क्योंकि हमारी फ़ोटो स्मूथ हो जाएगा इस विग्नेट को आप बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो गाइस अपने हिसाब से फ़ोटो के हिसाब से। और उसके बाद इसके नीचे वाले ऑप्शन में जाना है शार्पनिंग में, शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, और नॉइस रिडक्शन है जो उसको थोड़ा सा प्लस कर देना है ताकि हमारी फ़ोटो अच्छी तरह स्मूथ हो जाए। सो गाइस हमारी फ़ोटो एडिट हो चुकी है, आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से स्मूथ हो चुकी है गाइस, देख सकते हो पहले हमारी फ़ोटो कैसी देख सकते हो आप, बिफोर एंड आफ्टर गाइस देख सकते हो बहुत ही अच्छी लग रही है फोटो। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक, क्योंकि मैं आपके लिए इस वीडियो आता रहता हूँ।